जिनको लगता है कि एक दूसरे से टिपरासा टिपरासा फाइट करके दिल्ली को दिखाए कि हम लोग का अधिकार हमको चाहिए, तो दिल्ली भी देखकर हमारे ऊपर हंसेगा। अरे ये लोग तो एक दूसरे से फाइट करते हैं, एक होकर कैसे अपना डिमांड को पूरा करेंगे। हमारा कमज़ोरी, आप हमेशा बोलते हो कि इसने हमको दबा के रखा, उसने हमको दबा के रखा। कभी आपने सोचा है कि हमारे लीडर्स लोग अपने पर्सनल स्वार्थ के लिए एक दूसरे से लड़ते लड़ते हमने दूसरे को जगह दे दी अपने देश में? अरे कभी तो सोचो। थानसा का मतलब सिर्फ बोलने से नहीं होता है, आपको अंदर विश्वास करना पड़ता है। और जब दिल्ली में हम लोग बात कर रहे हैं, तो इस समय झगड़ने से हमको कुछ मिलेगा या हम कुछ हारेंगे, ये आपको समझना चाहिए। जो लोग नहीं समझते हैं, ठीक है वो अपना दुकान चलाएंगे, बिजनेस करेंगे, लेकिन जिसको अपने कम्युनिटी को कुछ देना है, उसको लगता है कि मैं ये फाइट कर रहा हूँ, लेकिन ये लीडर लोग खुद ही नहीं समझते हैं कि ये फाइट अगर हम जीतेंगे तो हमारा पूरा कम्युनिटी जीतेगा, सिर्फ मैं अकेला नहीं जीतूंगा। ये इनको समझना चाहिए, बहुत स्वार्थी लोग ही नहीं समझते ये बात। मेरे तिपरासा लोग, आपने मेरे ऊपर विश्वास किया, मैंने आपके ऊपर विश्वास किया, मैं फ़ाइट कर रहा हूँ। कभी कभी अकेला लगता है मुझे कि मैं अकेला फ़ाइट कर रहा हूँ, लेकिन फ़ाइट कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि महाराजा वीर विक्रम का नाती भी अपने लोगों को कुछ दे, खुद के लिए नहीं रखे, लोगों को कुछ दे। और ये लोग उल्टा सीधा सोशल मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हैं, इनको मालूम नहीं है कि आने वाले दिन में इनका बच्चे का क्या होगा, नेक्स्ट जनरेशन का क्या होगा। इनका ज़िंदगी तो गया, अपने बच्चे और अपने दोहा के नेक्स्ट जनरेशन को भी ख़त्म करने की कोशिश में है, क्योंकि लालच है। लालच से कुछ नहीं मिलेगा, विश्वास और थानसा से कुछ मिलेगा। दिल्ली के सामने एक होकर एक आवाज़ में बात करो, अपने आप को कमज़ोर करके हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। दिस इज़ गोबाकरा मैसेजिंग टू ऑल इस दी प्रेस।